हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की टाइपिंग स्पीड है 48 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बादी द्वारा उक्त आवेदन बाद पत्र की कंडिका क्रमांक 07 में आवेदन अनुसार प्रस्तावित संशोधन करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। फुल स्टॉप। प्रतिवादी द्वारा लिखित जवाब ना देते हुए मौखिक रूप से आपत्ति प्रकट की गई, कॉमा कि आवेदन प्रकरण को लंबित कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदन सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। प्रकरण में दर्शित है कि प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु पूर्व में नियत रहा है। वादी द्वारा आवेदन वादी साक्ष्य के प्रक्रम पर प्रस्तुत किया गया है। फुल स्टॉप। वादी ने जिस संशोधन की वांछा की है वह विषय वादी विचारण प्रारंभ होने से पूर्व सम्यक तत्परता बरतने के उपरांत भी क्यों नहीं उठा सका के संबंध में वादी द्वारा मात्र वादी द्वारा सहवन त्रुटि कारण बताया है। फुल स्टॉप। वादी के द्वारा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने को जो कारण बताया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है। फुल स्टॉप। जिससे न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि प्रतिवादी अपरिहार्य कारणों से उक्त आवेदन सास्थित करने में उक्त आवेदन प्रस्तुत करने में वर्तमान तक असमर्थ रहा है। फुल स्टॉप। वादी द्वारा आवेदन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत उक्त अब्दुल रहमान विरुद्ध रुलदू 2012 MPWN 104 जो कि सादर स्वीकार है। फुल स्टॉप। उक्त न्याय दृष्टांत में आदेश 6 नियम 17 CPC की व्यापकता को समझते हुए बाद की बहुलता के निराकरण हेतु सिद्धांत प्रतिपादित
किए गए हैं, फुल स्टॉप। बादी ने यह व्यक्त किया है कि वादी साक्ष प्रारंभ नहीं हुई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आदेश 6 नियम 17 CPC के परंतुक में विचारण के प्रारंभ हो जाने में शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जो कि बाद प्रश्न विरचित किए जाने से ही हो जाती है, फुल स्टॉप। इस संबंध में विद्याबाई विरुद्ध पदमलता AIR 2009 SC 1433 अनुकरणीय है, फुल स्टॉप। पैरा लेंगे आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार वादी द्वारा उक्त आवेदन विलंब से प्रस्तुत किए जाने का यद्यपि कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, फुल स्टॉप, तदापि प्रस्तावित संशोधन इस प्रकृति का है कि प्रकरण के उचित एवं प्रभावी निराकरण के लिए सहायक होगा, फुल स्टॉप। आवेदन सद्भावनापूर्ण दिया जाना दर्शित है कि संशोधन इस प्रकार का भी नहीं है जिससे प्रतिवादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, फुल स्टॉप। प्रस्तावित संशोधन से मामले की प्रकृति और मामले की मूलभूत संरचना में भी कोई बदलाव नहीं होता है, फुल स्टॉप। वादी द्वारा प्रस्ताव माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत व प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत आवेदन 200 रुपये के हर्जे पर स्वीकार करते हुए वादी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह नियत दिनांक के भीतर वाद पत्र की दोनों प्रतियों में पैरा 7 में प्रस्तावित संशोधन कर प्रमाणित करावे, फुल स्टॉप। उक्त संशोधन के फलस्वरूप यदि प्रतिवादी परिणामिक संशोधन अपने जवाब दावा में करना चाहे तो इस संबंध में आगामी नियत दिनांक पर कार्यवाही करे, फुल स्टॉप। प्रकरण संशोधन एवं परिणामिक संशोधन की कार्यवाही हेतु नियत दिनांक को प्रस्तुत हो,
फुल स्टॉप। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।